बड़ी खबर गिरिडीह से सामने आ रही है, जहां शिक्षिका ही पढ़ा रही है गलत अनुवाद, बच्चों को दे रही थी गलत शिक्षा, वहीं कैमरे में शिक्षिका की गलती कैद हो गई है। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बेड़ा का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षिका की गलत पढ़ाते हुए एक वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। बच्चों को गलत शिक्षा दे रही थी शिक्षिका, गलत अनुवाद पढ़ा रही थी, ये मामला हम आपको बता रहे हैं कि गिरिडीह के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बेड़ा का है, जहां शिक्षिका ही गलत पढ़ाती नजर आई। ऐसे में ये सवाल खड़ा उठता है कि जब शिक्षिका ही गलत पढ़ाएंगी तो बच्चे क्या सीखेंगे। कहते हैं कि गुरु ही हमारी गुरु से हमें शिक्षा मिलती है। गलती आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, राज्यपाल का नाम यही क्या करते रहे शिक्षा मंत्री, आपको जिला शिक्षा अधीक्षक का नाम नहीं पता है, शहरी खोज रहे हैं। चल घुसिए लीजिए, यही खबर नेशनल खबर। रिकॉर्डिंग करते रहिए, पढ़ना पलटते रहिए। किसका डीएससी? हाँ, डीएससी क्या है? डीएससी डीओ का क्या नाम है? डीओ का जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं जानते। चलिए ओके, चलिए बोलिए भाई, इधर पहले बोलिए। अभी अभी निर्धन हो गए हो क्या? नाम बताइए। नाम याद है, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ माथुर, जो अभी निर्धन हो गया। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल? राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति? नहीं, द्रौपदी मुर्मू नहीं। तो कौन है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति कौन है? नहीं जानते। प्रधानमंत्री को जानते हैं? राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। अभी मैडम आपका डीसी सर कौन है? डीसी सर, डीसी का नाम क्या है? डीसी का क्या नाम? गिरिडीह जिला का डीसी का नाम क्या है? भूल गए। अच्छा, आपका डीएससी साहब का नाम क्या है? डीएससी का क्या नाम है? आपके विभाग के जो डीएससी है उनका क्या? धनखड़ है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। गिरिडीह से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां शिक्षिका ही गलत अनुवाद पढ़ाती नजर आई और जब कैमरे में उन्हें कैद किया जा रहा तो शिक्षिका भागती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे से जुड़ चुके हैं। विकास, गिरिडीह के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बेड़ा से ये मामला सामने आया, जहां शिक्षिका ही बच्चों को गलत शिक्षा दे रही थी और साथ ही साथ उन्हें तो शिक्षा मंत्री का नाम भी नहीं पता है, तो क्या कुछ जानकारी आपके पास? हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक और जहां सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार लोहे कई योजनाएं चलाई जा रही है, हर माह करोड़ों रुपए खर्च की जा रही है, इसके बदले में जो बच्चों को शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिलना चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। यह ताजा मामला जो है वो शहर से मात्र कुछ ही किलोमीटर से सटे बेड़ा का है, जहां उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बेड़ा में जब आज सुबह लाइव 7 की टीम जब पहुंची तो शिक्षिका ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को कई अनुवाद गलत तरीके से बता रही थी। जब इसके बाद लाइव 7 की टीम ने जब उनसे पूछताछ की, जब कुछ जानकारियां हासिल करने लगे तो वो कैमरे से बचकर भागने लगे। जब इस दौरान शिक्षिका से सहायक अध्यापिका जो है आशा सिन्हा, उनसे सवाल पूछा गया कि आपके राज्य के राज्यपाल का नाम क्या है, तो उनको राज्यपाल का नाम तक नहीं पता था, जिले के डीसी का नाम तक उनको नहीं पता था। इतना ही नहीं, जिस विभाग की वो शिक्षिका है, शिक्षा विभाग के शिक्षा अधीक्षक तक का नाम शिक्षिका को मालूम नहीं था। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा स्कूल में बच्चों को मिल रही होगी।
जिला प्रशासन और जिस तरीके से आपने बताया कि उन्हें ना यहाँ के राज्यपाल का नाम पता है, ना उन्हें रह चुके शिक्षा में जगन्नाथ महतो का नाम उन्हें पता है, ये हो चुके हैं स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का नाम उन्हें नहीं पता है। तो ऐसे में जब शिक्षिका ही गलत अनुवाद पढ़ाएगी, जब शिक्षिका ही गलत शिक्षा देगी, तो हमारे देश के जो भविष्य हैं बच्चे, उनका आखिर क्या होगा? जी बिल्कुल, हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बच्चों के अभिभावक जो है वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि बच्चों का बेहतर शिक्षा मिले और उनका भविष्य बेहतर हो, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों में इस प्रकार की शिक्षिका अगर मौजूद रहेगी और वो बच्चों को पढ़ाएगी, तो साफ तौर पर इसका असर जो है बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। जी तो क्या शिक्षिका को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत की गई है? फिलहाल देखिए अभी इस मामले में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में वे डीसी के समक्ष जाएंगे, उनसे आवेदन देंगे और इस प्रकार की शिक्षिकाओं पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। जी विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रही खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि गिरिडीह से ये मामला सामने आया, जहां शिक्षिका ही गलत अनुवाद पढ़ाती दिख रही हैं और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जहां शिक्षिका की गलती पकड़ी गई, बच्चों को ही गलत शिक्षा दे रही थी। कहते हैं कि देश के भविष्य होते हैं बच्चे, अगर उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो आगे क्या करेंगे। नहीं तो गलती आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं तो गलती आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।